स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा, एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर, ज्वाइन डिप्लोमा कोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। 18 अगस्त की स्पीड न्यूज में देखते हैं 25 अहम खबरें। लेबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला, दर्जनों इसराइली फौजियों के हलाक व जख्मी होने का किया दावा। गजा में कब्रिस्तान की जगह होने लगी खत्म, खबरों के ऊपर बनाई जा रही है दूसरी खबरें। गजा में 10 माह से जारी इसराइली जारहत में शहादतों की तदाद 40,000 से तजावुज। गजा में इसराइल के दरिंदा सिफत कार्रवाई, अब इसराइली फौजियों ने फलस्तीनियों के लिए आटे के थैले ले जाने वाले घोड़े को गोलियां मारकर कर दिया हलाक। 10 माह की खूनरेजी के बाद गजा में अब जल्द होगी जंगबंदी, जो बाइडन का दावा। तो हमास ने कहा मुजाकिरात की कामयाबी पर बाइडन का इजहार उम्मीद एक वहम। गजा के शहरियों पर इसराइली हमले दहशत गर्दी, ईसाइयों के मजहबी पेशवा का गजा की अलमनाक सूरत हाल पर शदीद रद्द अमल, आलमी इदारों की खामोशी को बताया अफसोसनाक। यहूदी आबादकारों और इसराइली अहदेदारों पर पाबंदियां करे तजवीज़, यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी सरबराह का ईयू पर जोर, गजा में जंगबंदी की दोहराई अपील। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, अब तालिबान ने नमाज ना पढ़ने वाले मुलाजमीन के लिए सजा और तनख्वाहों की कटौती का जारी क्या फरमान। रूस के मशरकी साहिल पर आया 7 पॉइंट का शदीद जलजला, जलजले की शिद्दत के बाद फट पड़ा आतिशफशां, वाक़े के बाद सुनामी का खतरा भी बरकरार। फ्रांस में मुनक़िदा एक एयर शो के दौरान जेट तैयारा बहरे रोम में गिर कर हुआ तबाह, हादसे में पायलट हलाक, खौफनाक वीडियोस कैमरे में कैद। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर वाक़े के खिलाफ ब्रिटेन में भी एहतजाज, ब्रिटेन के हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने लंदन के इंडिया हाउस के सामने किया मुजाहरा। दिल्ली गैंग रेप का शिकार निर्भया की मां, कोलकाता डॉक्टर इस्मत दरी वाक़े पर सख्त बरहम, ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, ममता पर मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश का लगाया इल्ज़ाम। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर मामले पर हरभजन सिंह ने सीएम ममता को लिखा खत, कहा हमारे ज़मीर को हिला कर रख दिया, औरत के वक़ार के साथ कोई समझौता नहीं, मुलजमीन को ना बख्शे। पीएम मोदी का सेकुलर और कम्युनल सिविल कोड रिमार्क, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की मजम्मत, कहा यूनिफॉर्म या सेकुलर सिविल कोड नाकाबिल कबूल, शरीयत के साथ कोई समझौता नहीं। क्या झारखंड के साबिक सीएम चांपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल, सोरेन के अचानक दौरे दिल्ली से उठने लगे सवाल, कहा अब वो जहां हैं वहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 असिस्टेंट टीचरों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट का दिया हुक्म, राहुल गांधी ने अदालत के इस फैसले को करार दिया इंसाफ की जीत। कांग्रेस और एएपी कौमी सतह पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, राहुल गांधी ने सीएम केजरीवाल से कहा नाइंसाफी की इस जंग में इंडिया आपके साथ। असेंबली इलेक्शन तक मुझे जेल में रखने की बीजेपी की साजिश नाकाम, जमानत पर जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा सच्चाई की हुई जीत। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आया सैलाब, बह गई सड़कें, आमदोरफ्त मुतासर, मानसून के दौरान अब तक 1,140 करोड़ रुपए का नुकसान। तेलंगाना में यूपीआई के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की अदायगी का सबका निज़ाम बहाल, पावर यूटिलिटीज़ कंपनियों ने यूपीआई एप्स के जरिए बिल्स की अदायगियों को कबूल करने का किया ऐलान। सरकारी मामलात में मेरे भाइयों का कोई दखल नहीं, तेलंगाना वफ्द के गैर मुल्की दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी के हमरा उनके भाइयों की मौजूदगी पर सीएम ने किया वाज़ेह। हम जब भी इख्तदार में वापस आएंगे तब हैदराबाद एयरपोर्ट का बदल देंगे नाम, केटीआर का ऐलान, सेक्रेटेरिएट के करीब राजीव गांधी के मुजस्मे पर अदम इत्मीनान का किया इजहार। दुनिया के सामने तेलंगाना को मुस्तकबिल रियासत के तौर पर किया गया पेश, आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू का बयान, दौराए बैरून मुल्क से तेलंगाना को मिली 35,000 करोड़ की सरमायाकारी। रेवंत रेड्डी की अगली सियासी मंजिल बीजेपी,
केटीआर का हैरान कुन इंकशाफ, दावा किया रेवंत रेड्डी बीजेपी में हुए पैदा और उनका सियासी करियर वहीं होगा खत्म। जगतियाल में चलती बस के दो टायर अचानक निकल गए, टल गया बड़ा हादसा, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। केटीआर की हुकूमत पर तनकीद, कहा क्यों मासूम शहरियों की जिंदगी से किया जा रहा खिलवाड़। पकवान के दौरान फट पड़ा गैस सिलेंडर, एक ही खानदान के तीन अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। आंध्र प्रदेश के अनामया जिले के रायचोटी में पेश आया वाकया। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटीड ट्रीटमेंट, शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक। क्या आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए इंडिया के सबसे बेहतरीन सेफ्टी इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, जो हैदराबाद में गुज़िश्ता 8 सालों से निवोश, ओशा, IOSH, ISO और OTHM लेवल 6 एंड 7 जैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 60 से ज्यादा डिप्लोमा कोर्सेज की ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए बनाइए अपना मुस्तकबिल रोशन। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स आज बेहतरीन जॉब्स हासिल करते हुए इंडिया, गल्फ और दूसरे मुल्कों की टॉप कंपनीज में आला ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी में लें एडमिशन। मजीद मालूमात के लिए आज ही राब्ता करें। एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, मलकपेट और टोली चौकी,